वेलकम टू ईशानी वीडियोस। भाग्यलक्ष्मी का आज का एपिसोड तो आपने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप जी टीवी और जी फाइव ऐप डाउनलोड करके कभी भी और कहीं भी एपिसोड देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड में देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब यहाँ पर लक्ष्मी और उसके साथ साथ ऋषि के बीच में काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ेंगी। दूसरी तरफ कहानी में आने वाला है एक और नया मोड़। अब यहाँ पर मलिष्का ऋषि को काफी ज्यादा ब्लैकमेल करते हुए नजर आएगी कि आखिर में तुम किसी भी तरह से अब लक्ष्मी को छोड़ो और उसके साथ साथ मेरे साथ शादी करो। लेकिन ऋषि के मन में कुछ और चल रहा है, वो कौन सी बात है और ऋषि कौन सा सबसे बड़ा कदम उठाएगा उसके बारे में हम बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। लेकिन उसको बताने से पहले आप सभी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। आप सबको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि ऋषि और लक्ष्मी अब मॉल में मिलते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी के बीच में काफी ज्यादा बातें होती हैं और यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मलिष्का और लक्ष्मी एक दूसरे के सामने ना आ जाए इस बात का डर खाया जा रहा होता है यहाँ पर, वो भी ऋषि को, और उसके साथ साथ आने वाले एपिसोड में यही होते हुए दिखाई भी देगा। लेकिन इन सभी चीजों के होने के बाद में अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से अब यहाँ पर मलिष्का ऋषि को फोर्स करेगी कि किसी ना किसी तरह से अब तुम यहाँ पर लक्ष्मी को धोखा दो और लक्ष्मी को पूरी तरह से छोड़ दो। लेकिन ऋषि के मन में एक अलग ही बात चल रही है, वो ना तो लक्ष्मी को छोड़ना चाहता है और ना ही मलिष्का का साथ छोड़ना चाहता है। इसी वजह से सबसे बड़ा कदम उठाएगा और यहाँ पर मलिष्का की शादी तोड़ते हुए नजर आएगा। लेकिन वो कैसे तोड़ेगा उसके बारे में जैसे ही हमें पता चलता है हम आपको बता देंगे। वैसे आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हुए खबर सुनकर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए, ताकि आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। थैंक यू।